तक मैं आप लोगों के किस्सों में आ जाती हूँ कि हाँ किरण तुम्हारा किस्सा शुरू करते हैं भाई। मुझे तुम्हारी बारात, मैं तो हमेशा से लकी रही हूँ मेरा ख्याल से, तो मुझे जोड़ों में भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग जहाँ से बनवा रहे हैं बंटो काजमी के जोड़े थे, तो नथिंग कैन गो रॉन्ग। और प्लस अच्छा हैवी जोड़ों से मुझे थोड़ी सी थी, मैं मतलब शुरू से ही ना बड़ी सिंपल सादा कम कम चीज़ें हों कपड़े हों मेकअप पर्सनालिटी ऐसी, हाँ तो वो बस उनको मैंने सिर्फ ये कहा था कि बस थोड़े लाइट रखिएगा, बट बड़ी के जो दूसरे 11-12 जोड़े थे उसके लिए तो वो मुझे लेकर गए थे और सिलेक्शन हुई थी, ये कलर्स ये काम वो सब लकी रही भाई। हाँ लेकिन शादी और वलीमे का और टोटल उन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो बहुत अच्छे थे जोड़े, शादी का वाज ब्यूटीफुल, वो दो दुपट्टों के साथ बेज एंड रेड सा कलर था, और वलीमे का उन्होंने शलवार था चटापट्टी टाइप की शलवार थी काम था और लॉन्ग कुर्ती पूरा काम बना हुआ एंड कोटी के साथ, मतलब वेरी ईस्टर्न, बहुत ईस्टर्न, बहुत प्यारा था। बस मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब मैं खुश थी क्योंकि मैंने कभी लाइफ में डिजाइनर के कपड़े नहीं पहने थे शादी से पहले, बिल्कुल सादे, मतलब हम लोग कभी बनाने भी होते थे तो खुद से गए तारे क्रोट या फला जगह स्टिच करवा लिए सादे से, तो मेरे लिए वैसे ही बहुत एक बड़ी बात थी कि अच्छा डिजाइनर के कपड़े पहन रही हूँ मैं, हाँ डिजाइनर मेकअप हो रहा है, बड़ी कोई मेकअप आर्टिस्ट वो काम करेगा, तो ओवरऑल मेरी बहुत लैविश और ग्रैंड हर चीज वो रही है, तो मैं लकी रही हूँ। तुम्हारा तजुर्बा खराब नहीं? नहीं खराब नहीं हुआ, बल्कि मैंने वलीमे के जोड़े को तो 3 दफ़ा उसको अल्टर करवा के 3 दफ़ा पहना, 1 दफ़ा प्रेगनेंसी में भी उसको पहना, उसके साथ अलग सी कुर्ती बनाई, फिर मैंने उसको बाद में उसकी लॉन्ग शर्ट को शॉर्ट करके फिर पहना, और अभी कोटी भी रखी हुई है, अभी तक रखी हुई है मेरे पास, वो भी मैं अक्सर कभी पहन लेती हूँ किसी के साथ। आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा ऑलमोस्ट ठीक था। ऑलमोस्ट ठीक था आप कह रही हैं, वरना तो ब्रेक में कुछ और कह रही थी। इतना ग्रैंड कह दिया तो मैं कॉन्ट्रास्ट पे नहीं जा सकती। नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो खैर कुछ नहीं कहा ही नहीं था, मुझे सेंस भी नहीं थी, और अभी मेरे ताज़े ताज़े एग्जाम्स ख़त्म हुए थे, दिमाग मेरा नॉर्मल ही नहीं हो रहा था, प्रिपेयर्ड ही नहीं थी शादी वादी के लिए, और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना वो आई मीन दे नेवर एनकरेज मी कि मैं कुछ भी इनपुट दूँ, और ना ही मुझे सेंस थी। खैर पता था कि बस जोड़ा आना है और ज्वेलरी आनी है। It was good. मेरे शौहर भी देख रहे होंगे। अच्छा इसीलिए स्टेटमेंट चेंज हो गया? नहीं 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 किरण इतना नहीं, सिर्फ ये कि उसके ऊपर जो एक फिरोजी बॉर्डर था ना रेड के ऊपर, वो मुझे ठक करके लगा मेरे दिल को, फिर मन का ओके मैंने अपनी दादी थी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने ऐसी घूरी लगाई कि चुप आवाज, तो मैं चुप कर गई। फिर इसी तरह जो ज्वेलरी थी, मुझे बस ये था कि मुझे ये था फीलिंग कि मैं जरा लंबी गर्दन है तो चोकर्स मुझे बड़ा शौक था। अच्छा। मैंने अपनी साइड के चोकर बनवाया, चोकर्स क्या एक ही सेट बनवाया था, तो अब उनकी तरफ से जो आया ना वो कुछ डिफरेंट टाइप का था। ना वो गले के लटका के पहन सकते थे ना ऊपर चढ़ा के, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा होता है ना उसको ऊपर पहन सकते ये मैंने नहीं कहा, और ये खरीदते क्यों कोई खरीद रहा होता है ये मुझे समझ नहीं आती। तौबा शुक्र है तुम नहीं थी मेरे पास, वरना तुम मरवाती मुझे, जज्बाजी खुशियां खतरे में पड़ सकती। मैं तो आपकी सास को कहती कि ये खरीदते रहो, आप क्या सोच रही थी? ससुराल तो अलग, अब जैसे लड़की कुछ बोलना भी चाहे तो उसकी अपनी माँ और उसके घर वाले कहते चुपचाप है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं कभी कभार बहन और माँ कुछ कहते नहीं। हाँ फिर मैंने सोचा था कि अच्छा चलो कुछ अरसे बाद जब मैं थोड़ी सी अमीर हो जाऊंगी मैं पैसे वैसे डाल के तो ये देख के मैं चेंज करा लूंगी, तो दैट वाज द ओनली थॉट। और फिर मैंने यही किया 4-5 साल के बाद, वो दे के सेट, तो फिर मैंने चोकर बनवा लिया जो मुझे बड़ा शौक। ओके ओके अच्छा। मेरी तो ज्वेलरी भी बहुत माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त थी हर चीज। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।